हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉप मस्ट। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों क्या आपने आमिर खान को रेखा के साथ किसी फिल्म में देखा है? शायद नहीं। बॉलीवुड की फेमस अभिनेत्री रेखा ने बॉलीवुड की दुनिया में राज किया है। उस वक्त भी रेखा की शानदार एक्टिंग और अदाओं के फैंस दीवाने थे और आज भी हैं। पहले भी बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स उनके साथ काम करना चाहते थे और आज भी एक बार तो जरूर उनके साथ काम करना चाहेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि सुपरस्टार आमिर खान ने कभी रेखा के साथ काम नहीं किया। इसके पीछे क्या कारण था और ऐसा क्यों हुआ, इस वीडियो में आज हम आपको बताना चाहते हैं। उससे पहले दोस्तों, अभिनेत्री रेखा और आमिर खान के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। रेखा जी 70 और 90 के दशक में जहां सफलताओं के मुकाम पर थी, वहां उस वक्त आज के सुपरस्टार आमिर खान का जिक्र भी बॉलीवुड के पन्नों में नहीं हुआ था। लेकिन इसके बाद भी आमिर खान ने रेखा को काम करते हुए बड़े नजदीकी से देखा था। दरअसल आमिर खान के पिता ताहिर हुसैन के साथ रेखा ने एक फिल्म लॉकेट में काम किया था। जब रेखा इस फिल्म के लिए काम कर रही थी तो वो अक्सर फिल्म के सेट पर शूटिंग के समय काफी लेट आती थी। रेखा के इस लेट लतीफी के चलते कई बार तो इस फिल्म को दोबारा शूट करना पड़ा था। इस फिल्म को लेकर रेखा काफी लापरवाह भी थी, जिसके कारण आमिर खान के पिता परेशान रहते थे, जिसका गलत असर आमिर खान पर पड़ा। और शायद आमिर खान ने ये बात तय कर ली थी कि वो रेखा के साथ कभी काम नहीं करेंगे, और ऐसा हुआ भी। आमिर खान जब बॉलीवुड में कामयाब हुए तब उन्होंने किसी भी फिल्म में रेखा के साथ काम नहीं किया। आमिर खान ने रेखा की वजह से अपने पिता की परेशानी के अनुभवों को किसी के साथ शेयर नहीं किया। यही वजह है कि रेखा और आमिर खान एक दूसरे से मिलते थे, बातचीत करते थे, मगर फिल्में नहीं करते थे। आमिर खान की फिल्म दंगल की स्क्रीनिंग के दौरान जब दोनों फोटोग्राफरों को पोज दे रहे थे, तब रेखा ने हाइट को लेकर आमिर खान का मजाक भी उड़ाया था। यानी कि दोस्तों, आमिर खान ने अपने पिता की वजह से रेखा के साथ काम नहीं किया। आपको क्या लगता है इस बारे में, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड। गुड बाय।